अब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिल गया और ये तिरंगा झंडा ये हिंदुस्तान का है और जम्मू कश्मीर का भी यही तिरंगा झंडा है और जो स्टेट झंडा अपनी गाड़ी पर लगा करके गए थे उनको पकड़ करके जेल बंद करना होगा और जो 370 को लाने की बातें कर रहे हैं फ्रॉड है धोखा है वो पार्लियामेंट ला सकता है। जब यहाँ थे वो पार्लियामेंट के अंदर तब उन्होंने क्यों नहीं लाई, तब पार्लियामेंट के अंदर क्या करते रहे। इसलिए लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो और ये जो ये तिरंगा है ये हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है यही लहराएगा और जिन्होंने स्टेट का झंडा गाड़ी पर लगा करके गए अब उपराज्यपाल बताएंगे वो अंदर जाएंगे कि बाहर आएंगे इसके विषय में आप बोलना चाहते हैं। PAGD के जो नेता हैं लगातार धारा 370 को वापस करने की मांग कर रहे हैं, आप इस क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या जब धारा 370 हटी तब वो पार्लियामेंट के अंदर थे ना, थे ना बड़े लोग थे ना, तब उन्होंने क्या कर लिया, अब बाहर आकर के मूर्ख बना रहे हैं। क्या उनके पास इतने लोग हैं कि वो इसको तोड़ करके अपनी बहुमत ला करके फिर मेजॉरिटी वहाँ पेश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से चलेगी, उनके पास है कुछ नहीं, तो इसलिए लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर